सो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करके दिखाया था। इस बार अब मैंने सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन किए, वो मुझे ईजी लगे तो वो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट एट क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। सो हम पहले से पढ़ते हैं। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी वेयर मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो डैट ऑल्सो, ये तो हमें ये दिखाना है और इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, और दूसरा ये इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। सो डैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, ठीक है। तो नाउ पहले हमें एक देखो, हमें एक सेट दे रखा है ए, इसकी वैल्यूज है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और रिलेशन दे रखा है आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। हमें इसे दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, वो होता है कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है, अगर तीनों है एक साथ साइमल्टेनियसली, अगर सिमेट्रिक, ठीक है, तीनों साइमल्टेनियसली तीनों अगर है तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें इसका मतलब, हमें सब ये तीनों प्रूव करने की, ये तीनों रिलेशन है, ठीक है। तो पहले हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए हमें, जैसे हमें पता है ए बिलोंग करना चाहिए आर को, तो ए इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो ए माइनस ए हो जाएगा इज इवन है, नहीं हमें देखना है ए माइनस ए क्या होता है, जीरो होता है, मॉड ऑफ जीरो होता है जीरो, जीरो इवन ही है, इवन है ना, तो ये प्रूव हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए इफ इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग करना चाहिए आर को, तो इससे हमें निकलता है ए माइनस बी इज इवन, और हमें दिखाना है बी माइनस ए इज इवन। तो इसी से हम आगे, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए माइनस बी, नहीं मतलब हाँ, अब देखो अगर हम इससे माइनस कॉमन ले तो ये माइनस बी, ये मॉड लगा के क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं, इक्वल टू माइनस ए प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए, जो इसके बराबर आ गया ना, बराबर आ गया, जो इससे हमारा सिमेट्रिक प्रूव हो गया, ठीक है। अब ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आएगा ए माइनस बी इज इवन, यहाँ से आएगा बी माइनस सी इज इवन, और हमें दिखाना है कि ए माइनस सी इज इवन। अब देखो, ये था ए माइनस बी इज इवन, दूसरा था बी माइनस सी इज इवन, ठीक है। अब हम अगर a माइनस बी इवन मॉड है, अगर मॉड हटा देंगे तो नंबर माइनस में आ जाएगा, तो ना माइनस में आ जाएगा मगर फिर भी वो इवन रहेगा, इसलिए हम इसे यहाँ पर इसका मॉड हटा सकते हैं। तो a माइनस बी इज इवन, यहाँ से b माइनस सी इज इवन, अब दोनों इवन है, अगर हम दो इवन को नंबर को जोड़ते हैं तो वो भी एक इवन नंबर आता है, हमें पता है, तो इनको जोड़ देते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इवन, इससे आ जाएगा ए माइनस सी इज इवन। अब ए माइनस सी इवन है तो इसका मॉड लेंगे ना, तो वो भी इवन ही होगा, तो इसका मॉड ले लेते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन सिंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये आर हो गया, और ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, देयरफॉर द रिलेशन इज
इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। अब देखो हमें ये तो हो गया हमारा, अब हमें दिखाना है कि सेकंड पार्ट दिखाना है कि एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, कुछ सम वे में रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखते हैं कि रुक जाओ, हमारे पास रिलेशन था आर इज इक्वल टू ए बी सच डेट ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। अब हम ए की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और बी की वैल्यू देखते क्या आती है, ठीक है। हाँ, इस वाले सेट से पहले 1 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो जो सेट हमारे पास था 1, 2 जो ओरिजिनल सेट था 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हमें बी की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं ताकि इवन हो जाए, तो हमें साफ पता है हम और नंबर ले सकते हैं, और इवन लेंगे तो इवन माइनस 1 ऑड हो जाएगा, पर हमें इवन चाहिए तो हम यहाँ पर को ऑड वैल्यू ही ले सकते हैं। 1 लेंगे, 3 लेंगे और 5 लेंगे। हाँ, 3 है तो 1 लेंगे, 5 लेंगे, 5 है तो 1 लेंगे, 3 लेंगे। तो हम यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये 1, 3, 5 एक सब एक दूसरे से रिलेटेड है, हाँ, क्योंकि यह है तो हमने प्रूव कर दिया। और अब हमें सेकंड में प्रूव करना था कि 2 और 4 भी आर रिलेटेड, ठीक है, ये भी दिखाना है हमें। तो अगर हम इवन रखेंगे अगर यहाँ पर ए की वैल्यू ये, तो बी की वैल्यू क्या होगी, अगर 2 रखेंगे तो बस, तो यहाँ पर एक 4 ही वैल्यू जो यहाँ पर आ सकती है तभी इवन होगा, वरना आउट हो जाएगा। और यहाँ पर 4 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो देखो ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। और लास्ट हमें देखना है कि बताना है कि नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पर को अगर हम देखो अगर हमने ऑड ले लिया ऑड अगर हम यहाँ पर ऑड ले लिया तो हम यहाँ पर इवन नहीं ले सकते, ठीक है, वही हमें प्रूव दिखाना है। क्योंकि लेंगे तो क्या होगा, ऑड माइनस इवन क्या होता है, ऑड होता है, पर हमें यहाँ पर इवन चाहिए तो ये नहीं ले सकते, और इवन और ऑड भी नहीं ले सकते। तो इसे हमें पता चल रहा है कि नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। प्रूव। थैंक यू।